Sid, Sid, don't worry, dude. सब ठीक हो जाएगा. Sid, listen. ऐसा कभी-कभी होता है. Dude, एक साल की तो बात है. अगले साल तू एग्जाम में पास हो जाएगा. It's not a big deal, यार. Damn you, यार ऋषि. बहुत आसान है तेरे लिए कहना it's not a big deal. क्योंकि तू पास हो गया. कम से कम लेक्चर मत दे यार. Okay, Sid, but relax, यार. Sid, time to relax. सब कुछ साथ साथ किया है हमने. खुद तो जाके पास हो गया और मैं तो अकेला रह गया ना. Sid, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है यार? Of course है, गलती है तेरी. I don't know why, but है. पास तो तुझे भी होना नहीं चाहिए. You know that. शायद तेरे साथ इतना टाइम वेस्ट किया तो मैं भी पास हो जाता. Screw you, Sid. Yeah, right. So you too, Rishi. Guys, please stop fighting. Sid, papers revalidate. Lakshmi, please leave me alone. Cooking tonight. तुम घर पे हो ना? What happened, Siddhi? Mood खराब है. पैसे चाहिए. क्या हुआ? माँ, मेरे रिजल्ट्स आ गए. तुमने इसे होने कैसे दिया सिद्धार्थ? ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से. उनके साथ घूम घूम के दिस रिजल्ट. टॉप के स्टूडेंट थे तुम स्कूल में, ये कॉलेज में आकर क्या हो गया? जो चाहते वो दे तो रहे ना तुम्हें, फिर क्या कमी है? ये क्यों? अरे कुछ तो बोलो सिद्धार्थ, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम इस तरह फेल हो गए? Shut up, माँ! ये टीवी सीरियल वाला लेक्चर बंद करो. मैं जानता हूँ क्या हुआ. बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं. अगली बार पास हो जाऊंगा. इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? वैसे भी मैं पास हो या फेल आपको क्या फर्क पड़ता है? खुद तो कभी स्कूल भी नहीं गई. और सॉरी कोसेट. I said apologize, Siddharth. Papa, please. Ab isme interfere mat kijiye. Interfere nahi karu. Aur tumhari badtameeziyon ko ignore karta rahu. How dare you speak to your mother like that? Pichle 20 saal se uski puri zindagi kat gayi tumhare aage piche ghoomte hue. Wo school nahi gayi isliye chahti thi ki tum theek se padh likh sako. Tumhe wo sab mil sake jo mujhe nahi mila, use nahi mila. For लेक्चर. Sid, don't you dare walk out. तुम वहीं रुकोगे और मेरी बात सुनोगे चुपचाप. तुम्हारी उम्र में my father was dead. शादी हो गई थी मेरी. पूरे घर की जिम्मेदारी मैं अकेला संभाल रहा था. जोगेश्वरी की एक छोटी सी चाल में रहते थे हम. दिन रात मेहनत करता था ताकि तुम्हें यह सब दे सकूं. ये लाइफस्टाइल, तुम्हारा ये एरोगेंस. तो क्या करूं मैं? थैंक यू बोल के आपके पैरों में गिर जाऊं? यू आर डैम राइट. कम से कम उतना तो कर सकते हो ना. थैंक यू सो मच पा, बोल दिया. अब जाऊं? आई एम नॉट डन एज येट. तुम बार बार हर सिचुएशन से भाग नहीं सकते. अपने इसी एटीट्यूड की वजह से एग्जाम में पास नहीं हो पाया. एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया ऑफिस में. भाग गया बिना किसी को बताए. गॉड, नॉट अगेन. आपका ऑफिस, आपकी कंपनी. कांट यू सी आई डोंट केयर अबाउट योर स्टूपिड ऑफिस. व्हाट डू यू केयर अबाउट सिद्धार्थ? व्हाट डू यू केयर अबाउट? तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, अपने घर वालों की फिक्र नहीं, अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं? गुस्सा आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो. तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा और मैं देखना भी नहीं चाहता. आपको क्या लगता है? आई डोंट केयर. जिस दिन पैसे देना बंद कर दूंगा ना, यू विल स्टार्ट केयरिंग. तो बंद कर दीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए आपके ब्लडी पैसे. ओके सिद्धार्थ, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है. और अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा. ओके?
तो नहीं रहना मुझे आपके घर, मैं जा रहा हूं। रहा न कोई साथ अपना।